दोस्तों वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ऑडी A8 रेस्टोरेशन। आज की वीडियो के अंदर हम इसके अंदर जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट करेंगे और मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाऊंगा इस गाड़ी का। स्टीयरिंग व्हील भी कस्टमाइज होगा, अंदर बाहर से गाड़ी को अच्छे से कोटिंग किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंजन बे में आ जाते हैं और हमने दोनों साइड के वेल्व कवर को रिमूव कर लिया है, थ्रॉटल बॉडी को रिमूव कर लिया है और जितने भी इंजेक्टर्स हैं, इंजेक्टर की गैस्केट्स वगैरह सब रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही हेल्थी इंजन है क्योंकि जो कैमशाफ्ट्स हैं आप दोनों साइड पर देख सकते हो क्योंकि V6 इंजन है तो दो वेल्व कवर रिमूव करने पड़ते हैं हमको। तो दोनों साइड के जो कैमशाफ्ट हैं यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। इसका मैनिफोल्ड भी क्लीन होगा और इसका EGR भी रिमूव कर दिया, EGR भी क्लीन होगा। यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी मेस हो जाती है एक V6 के सिर्फ वेल्व कवर को रिमूव करने में। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो सारी लाइंस यहाँ पर हैं, नट बोल्ट्स हैं वो काफी सारे हैं क्योंकि इसके अंदर 6 इंजेक्टर हैं। दिस इज अ V6। यूजुअली जब हम एक गाड़ी का वेल्व को रिमूव करते हैं तो उससे उसकी हेल्थ का पता चल जाता है कि गाड़ी कैसे मेंटेन की गई है। और यहाँ पर जैसे आप कैमशाफ्ट की कंडीशन देख सकते हो, इंजेक्टर के जो पोर्ट्स हैं वो देख सकते हो और भी सारी चीजें यहाँ पर जो विजिबल हैं उसको देखने से लगता है कि गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन हुई है। इसका मतलब है इसका जो इंजन ऑयल का इंटरवल है वो काफी सही रहा है, अराउंड 10-12,000 किलोमीटर तक ही, क्योंकि ये ऑडी 8 अभी सर्विस होकर आई थी ऑडी डीलरशिप से और जितना भी टाइम इस गाड़ी का कभी काम हुआ है वो ऑडी के डीलरशिप के अंदर ही हुआ है। तो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा था कि इसके जो इंजन की हेल्थ है वो काफी अच्छी है। देख सकते हो काफी सारे लाइन्स हमको यहाँ पर रिमूव करनी पड़ी थी दोनों साइड पर क्योंकि दो वेल्व को रिमूव करने थे हमको यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है एक V6 इंजन में। मैं आपको इसके पुराने और लीकिंग वेल्व कवर दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो वेल्व कवर की गैस्केट की हालत फिलहाल कैसी है। फर्स्ट टाइम रिमूव हुए हैं, ये 2013 का मॉडल है, इससे पहले इसके वेल्व कवर की गैस्केट या वेल्व कवर कभी रिमूव नहीं हुए हैं। तो इन दोनों ही वेल्व कवर को अच्छे से क्लीन किया जाएगा इसकी नई सील को लगाने से पहले। तो ये दोनों वेल्व कवर के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो वेल्व कवर हमने क्लीन किए हैं वो क्लीन करने के बाद कैसे लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वेल्व कवर की हालत अब बहुत अच्छी है पहले से। यहाँ पर जो इनटेक मैनिफोल्ड तक हमारी जो एक पाइप जाती है उसके अंदर मैं आपको एक स्लज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारा स्लज है और ये EGR की एक पाइप है, यहाँ पर भी अंदर बहुत सारा कार्बन है इसके अंदर। उसके बाद मैं आपको थ्रॉटल बॉडी दिखा देता हूँ, थ्रॉटल बॉडी भी बहुत ही खराब है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कार्बन डिपॉजिट है तो इसको भी अच्छे से क्लीन किया जाएगा। क्लीन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्दो यहाँ पर अभी भी ब्लैक लग रहा है बट ये अब बहुत क्लीन है। थ्रॉटल बॉडी को भी आप देख सकते हो ये भी क्लीन किया गया है, ज्यादा इसको आपको स्क्रब करने की जरूरत नहीं होती उससे, बल्कि आप डैमेज कर सकते हो थ्रॉटल बॉडी को। इसको भी फिलहाल दो बार क्लीन कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी यहाँ पर कार्बन डिपॉजिट है तो इसको दोबारा क्लीन किया जाएगा। उसके बाद दोनों वेल्व कवर को इंजन पर वापस लगा देते हैं। तो वेल्व कवर को वापस लगाने के बाद आप देख सकते हो अब कहीं पर भी जो ऑयल है वो लीक नहीं होगा वेल्व कवर से। थ्रॉटल बॉडी, EGR, मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड की जितनी भी पाइप्स हैं वो सारी वापस लगा दी, तो अब इस इंजन में कहीं पर भी ऑयल लीक नहीं होगा और इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसको क्लीन किया है, EGR को क्लीन किया है, मैनिफोल्ड को क्लीन किया है और इन सबको वापस लगा दिया है विद न्यू गैस्केट। यहाँ पर देख सकते हो आप कहीं पर भी और ऑयल लीक नहीं है। उसके बाद मैं आपको इसके पुराने इंजन माउंट दिखा देता हूँ, इंजन माउंट की कंडीशन कैसी थी। इस गाड़ी के ट्रांसमिशन माउंट और इंजन माउंट रिमूव करके रिप्लेस किए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन ऑफ द इंजन माउंट, यहाँ सेंटर में देख सकते हो इसकी रबर है क्रैक हो चुकी है बिल्कुल ही और नीचे से ऑयल भी लीक हो रहा है, ऐसा ही दूसरी साइड का भी है। मैं आपको नया इंजन माउंट दिखाऊं तो ये रहा इसका नया इंजन माउंट और दोनों साइड का इंजन माउंट के ऊपर सेंसर भी होता है। तो इसका एयर फिल्टर भी रिमूव करके रिप्लेस किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने और न्यू फिल्टर के अंदर डिफरेंस। एयर फिल्टर इंडिया के अंदर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो आई थिंक सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी आप लेते हो तो
एयर फिल्टर को चेक करना चाहिए। अगर गाड़ी की सर्विस हुई भी है तो भी कई बार क्या होता है कि कंपनी एयर फिल्टर को दो सर्विस के अंदर चेंज करते हैं। एयर फिल्टर को अगर ऐसी कंडीशन के अंदर है तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने अंडर बॉडी शील्ड रिमूव की थी पीछे की दोनों कंप्रेसर के नीचे जो होती है, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर ये रहा हमारा एयर कंप्रेसर जो कि हमारे एयर सस्पेंशन में काम आता है। इसको लगाने के बाद और भी नीचे की जो शील्ड्स हैं वो सारी अब वापस लगा दी है हमने आगे से लेके पीछे तक। इसकी जो शील्ड है वो कुछ साइड से सपोर्ट नहीं दे रही थी तो उसको भी अच्छे से हमने यहाँ पर जिप टाइज से अच्छे से बांध दिया है। एक लुक देने के लिए हमने यहाँ पर स्मोक करा था पिछली टेल लाइट्स को। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो ये प्रोटेक्टिव फिल्म होती है रिमूव करने के बाद ये लाइट्स बहुत ज्यादा सुंदर लगती है स्मोक में, स्पेशली ऑन अ व्हाइट कार। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है दोनों साइड पर ये स्मोक टेल लाइट्स। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कैसी लगी है। आई पर्सनली लाइक दिस ऑन अ व्हाइट कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी स्किड प्लेट है या फिर जो हम जब दरवाजा खोलते हैं जो हमको प्लेट दिखती है इसके अंदर लाइट भी है सेंटर के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उसके बाद उसको भी रैप कर दिया गया था, ऑल्दो लाइट विजिबल है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद इसका जो स्पीकर है लेफ्ट वाला वो खराब था और इसको रिमूव करके रिप्लेस किया गया था, ये बोज का स्पीकर है। उसके बाद इसकी जो क्रोम की एग्जॉस्ट टिप्स है उनको पॉलिश किया गया था, ये मटेरियल खराब हो गया है बट इसको भी दोबारा पॉलिश किया था तो ठीक हो गया था। ये सिर्फ एक फर्स्ट पॉलिश के बाद का रिजल्ट है और मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो दूसरी साइड की जो एग्जॉस्ट पाइप है वो ऐसी थी, तो इसको भी अच्छे से पॉलिश किया जाएगा ताकि दोनों जो पाइप्स हैं उसको हम गाड़ी पर लगा सके। उसके बाद इसके अलॉय एंड टायर रिमूव कर दिए थे और इसके जितने भी कैलिपर हैं, ड्रम है, डस्ट शील्ड है पीछे, उन सबको क्लीन किया गया था और उसको मैट ब्लैक पेंट किया गया था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेशली लाइक दिस मैट ब्लैक कलर ऑन अ व्हाइट कार। आई थिंक ये मैट ब्लैक कलर काफी सूट कर रहा है, अलॉय व्हील्स लगाए हैं उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है गाड़ी का। गाड़ी के अंदर एक ब्लैक और व्हाइट की थीम हो गई है, इसकी रूफ भी ब्लैक है और काफी सारे एक्सेंट्स हैं जैसे आगे है वो भी ब्लैक है। अब अच्छे से हमने पेंट कर दिया और इसके अलॉय को वापस लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टेयरिंग का जो लेदर होता है वो खराब हो चुका है क्योंकि जब ये गाड़ी ली थी तो इसका पावर स्टेयरिंग में थोड़ी दिक्कत थी, तो आई थिंक उसकी वजह से ये जल्दी खराब हो गया है। तो इसका लेदर रिमूव करके और रिप्लेस किया जाएगा और सेंटर के अंदर इसको एक कस्टम स्टेयरिंग बनाया जाएगा। सेंटर के अंदर हमारा वुडन होगा और एक नया लेदर रैप होगा साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर की कंडीशन और अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब ये देख सकते हो नया स्टेयरिंग व्हील और यहाँ पर देख सकते हो सेंटर के अंदर कस्टम जो हमारा वर्क हुआ है और इसके जो स्टीयरिंग व्हील का कवर है वो भी दोबारा स्टिच हुआ है। ओरिजिनल नापा लेदर यहाँ पर यूज किया है तो बहुत अच्छी फील है इसके अंदर। उसके बाद इस स्टीयरिंग को दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं। मेक श्योर कि आप गाड़ी के जो स्टीयरिंग है उसको मार्क कर लो जब रिमूव करते हैं, ऑल्दो इसके अंदर इंडेंटेशन होती है। उसके बाद इसका सेंटर का बोल्ट लगाना होता है, उसके बाद उसको टाइट करना होता है, एयर बैग के जो कनेक्टर्स होते हैं उनको लगाने के बाद अब हम इसको वापस लगा सकते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी को ड्राइव पर लेके गया था और यहाँ पर कस्टम स्टीयरिंग व्हील की बहुत अच्छी लुक आ रही है इन माय ओपिनियन। नया लेदर भी है और जो सेंटर में वुडन है ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। अगर आपको भी अपनी गाड़ी का ऐसा कुछ काम करवाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी सीट है उसका थोड़ा लेदर रिपेयर का वर्क था वो हुआ था यहाँ पर, ये थोड़ा सा वेयर एंड टेयर था यहाँ पर जो कि यूजुअली होता है। तो ये है पुराना इंटीरियर। उसके बाद हमने इसके जो रूफ है उसको अच्छे से रैप कर दिया था और सारे जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं जो फर्स्ट वीडियो के अंदर दिखाए थे वो यहाँ पर लगा दिए हैं और उसके बाद हम इसके इंटीरियर को वापस लगा देते हैं। इंटीरियर को वापस लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल इंटीरियर की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो डोर की जितने भी ये ट्रिम होती है उसको अच्छे से पॉलिश किया गया था और इसके अंदर एक मिरर फिनिश आ चुकी है और सारे लेदर को अच्छे से क्लीन किया गया था। इसके जो मैट्स हैं वो भी कस्टम बनवाए थे क्योंकि पीछे का जो सेंटर कंसोल है वो अलग है। यहाँ पर आप देख सकते
हेडलाइनर कितना सुंदर लग रहा है ब्लैक के अंदर। और भी पीसेस इसके ब्लैक किए गए थे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा ही ग्रे कलर में था। इसका ये रियर व्यू मिरर, सेंटर कंसोल, ये सब ग्रे कलर में था जो कि गाड़ी के साथ ओरिजिनली आया था। और इसके जितने भी बटन है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इस बटन जैसे कलर था सबका, और ये सारी चीजें हमने भी ब्लैक की है। यहाँ पर देख सकते हो जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर प्लास्टिक के, वो सब ग्रे कलर में थे। इवन की ग्रैब हैंडल्स वगैरह इन सबको ब्लैक किया गया है। स्टीयरिंग को आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाड़ी के अंदर और बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ पर जो साइड पीसेस भी है, साइड पैनल है, उसके ऊपर जो एक हमारा बेल्ट का एक अंदर प्लास्टिक का पार्ट होता है उसको भी ब्लैक किया गया, वो भी पहले ग्रे था। मैं आपको सनरूफ का ब्लाइंड ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ब्लाइंड भी पहले ग्रे थे। तो ऐसे आगे से इसका ब्लाइंड कंट्रोल कर सकते हो आप, रियर मोड को दबा के रियर का जो ब्लाइंड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। रियर डोर के जो कर्टेंस है उनको आप ऑटोमेटिकली रेज और लोअर कर सकते हो। ऐसे अंदर चलने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सब कुछ ही अब ब्लैक और एक टैन इंटीरियर के अंदर है। एसी वेंट्स हो गए, हुक हो गया, एयरबैग का लोगो हो गए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, उनको अच्छे से रिमूव कर पेंट किया गया था। लेदर जो इसका है, लेदर को भी एक अच्छे से क्लीन करके इसको कंडीशन किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नए मैट। और ये गाड़ी एक फोर सीटर है प्रॉपरली, इसके अंदर आप पांच आदमी चाहो तो भी नहीं बिठा सकते हो। ये सेंटर कंसोल आप रिमूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सेंटर में इसकी जो ये है ट्रे मिल जाती है आपको, जो कि आप ऐसे ओपन कर सकते हो। आगे आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मसाजर मिल जाता है, और यहाँ पर सेंटर में आपको ऊपर सीडी डीवीडी या फिर एसडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और इसको नीचे करोगे तो आपको यहाँ पर इसका फ्रिज मिल जाता है। फ्रिज की कंडीशन पहले बहुत ज्यादा खराब थी, इसको भी अच्छे से रिमूव करके क्लीन किया गया था क्योंकि इस फ्रिज की हालत पहले बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसके बाद आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ जो इसकी मेन सीट है, लेफ्ट रियर। ये इसकी एक कैप्टन सीट बोली जाती है क्योंकि इसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो ट्रिम है, वुडन ट्रिम जिसके अंदर ब्लैक एक्सेंट दिया हुआ है, पॉलिश होने के बाद अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी आपको वॉच और यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, तो वो भी अच्छे से पॉलिश किया गया है। यहाँ पर इसके अंदर बोज के म्यूजिक सिस्टम, अगर नहीं पता था आपको तो ये बहुत ही प्रीमियम कॉकपिट है इस सेगमेंट के अंदर। ये सीट यहाँ पर डिफरेंट है दूसरी सीट से क्योंकि ये जो सीट है ये आगे चली जाती है और एक रेक्लाइनर बन जाती है, और ये सारा ही लेदर रैप्ड है सेंटर कंसोल। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप हेडलाइनर कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वाली सीट को आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जितनी भी अंदर की ट्रिम है उसको अच्छे से पॉलिश किया गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी शाइन आ रही है। उसके बाद इसकी रूफ दिखा देता हूँ जिसको भी अच्छे से पॉलिश किया गया है। ये कंपनी से ही ब्लैक होती है, हमने इसको ब्लैक नहीं किया, सिर्फ इसको पॉलिश किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंदर हमने मैट ब्लैक पेंट किया था वो काफी सुंदर लग रहा है, और सारी गाड़ी को अभी सिरेमिक कोटिंग कर दिया है। उसके बाद मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, फिलहाल कोई भी एरर कोड्स नहीं है गाड़ी को ऑन करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी, या कोई भी स्कैनर के अंदर एरर नहीं है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है इमीडिएटली। इस बटन से आप इसके जो MMI है उसको कंट्रोल कर सकते हो, रेज और लोअर कर सकते हो इस बटन से। इस बटन से आप इसके पार्किंग कैमराज ऑन कर सकते हो, पार्किंग सेंसर ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी हैजर्ड लाइट ऑन कर सकते हो, और नीचे आपको यहाँ पर CD, DVD या फिर SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इस बटन से आप इसकी जो अंदर की एम्बियंट लाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको गाड़ी का एक बाहर से लुक दिखाऊं तो अब गाड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है, स्पेशली जब गाड़ी को अच्छे से पेंट किया है, कोटिंग कर दिया है, इसकी हेडलाइट्स को भी रिस्टोर किया है। इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट वीडियो के अंदर ये हेडलाइट बहुत ही ज्यादा खराब और डल थी, अब आप देख सकते हो हेडलाइट की कंडीशन, और यहाँ पर ये नीचे की ग्रिल भी बहुत खराब थी। यहाँ पर मैं दिखाऊं तो इस फेंडर के अंदर इतना ये फेंडर पेंट किया गया है, आगे माइनर डैमेज था, स्क्रैचेस थे। उसके बाद इसका रियर डोर यहाँ से पेंट किया गया है, इसका जो क्वार्टर पैनल है वो भी यहाँ तक पेंट हुआ है, और देख सकते हो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि पेंटेड है। इसकी रियर टेल लाइट बहुत सुंदर लग रही है अब, और यहाँ पर भी एक डेंट था छोटा सा, उसको भी रिपेयर कर दिया था हमने। आगे पीछे के बम्पर तो हुए ही थे, और देख सकते हो अब गाड़ी पीछे से काफी सुंदर लग रही है। इस साइड का क्वार्टर पैनल भी इतना पेंट हुआ था, ये जो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर ये भी पेंट हुआ था, ये साइड स्कर्ट इतनी पेंट हुई थी, छोटे मोटे स्क्रैचेस ऊपर थे। तो जितना गाड़ी को पेंट करने की जरूरत थी उतना ही पेंट किया था, ये आगे का फेंडर भी इतना पेंट किया था, और आप दूर से बता नहीं सकते हो कि क्या चीज पेंट किया है क्या नहीं। जो फेडेड हेडलाइट्स थी वो कितनी सुंदर लग रही है अब यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको इंजन बे के अंदर दिखाता हूँ इंजन बे की कंडीशन। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन किया गया है, और इसके अंदर जितनी भी ऑयल लीक्स थी उसको खत्म कर दिया है। तो ये 8 अभी फिलहाल बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, और इसको हम ड्राइव कर कोलकाता लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन बे में इसके वेल्व कवर गैस्केट्स को, और यहाँ पर ये इंजन फिलहाल रनिंग है, तो कहीं से भी इसके अंदर ऑयल अभी कहीं पर भी नहीं गिर रहा है। ओवरऑल कंडीशन गाड़ी की बहुत सुंदर हो चुकी है, मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ। पहले अगर आपने कंडीशन इसकी नहीं देखे तो Part 1 यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसके जो दोनों सनरूफ है उसको टिल्ट कर देते हैं। हाँ, इसके जो पीछे वाला सनरूफ है वो भी टिल्ट होता है, यूजुअली गाड़ी में जो पीछे सनरूफ होता है
है वो टिल्ट नहीं होता, बट इस गाड़ी के दोनों सनरूफ टिल्ट होते हैं। गाड़ी की हेडलाइट रिस्टोर करने के बाद स्पेशली ये मैट्रिक्स लाइट बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी हेडलाइट्स है, इसके अंदर छोटी छोटी एलईडी है काफी सारी। तो इस गाड़ी का जो मेन अट्रैक्शन मेरे को लगता है वो इसके अलॉयज और इसकी एक मैट्रिक्स लाइट है। ओवरऑल गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, इसके आगे की ग्रिल भी काफी सुंदर लगती है। अब मैं पीछे चल के आपको दिखाऊं तो जो इसकी रिक्लाइनर वाली सीट है, इस बटन को दबाने से आपकी पीछे वाली सीट है वो रिक्लाइनर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो इसके अंदर। गाड़ी में से बैठने के बाद अब मैंने दोनों साइड के पीछे के शेड लगा दिए हैं, सनरूफ का शेड लगा दिया है और पीछे का शेड भी लगा दिया है। तो मैं कंप्लीट प्राइवेसी में बैठा हूँ पीछे इस सीट पर, और यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप रख सकता हूँ, फोन रख सकता हूँ, ड्रिंक्स रख सकता हूँ। तो ऐसे आप एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबली आराम से आप ट्रेवल कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। ये सीट स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है और उनको थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए गाड़ी के अंदर। तो इस सीट को नॉर्मल मोड के अंदर करना हो आपको तो इस बटन को यहाँ पर दबाना है। उसके बाद गाड़ी के कुछ शॉट्स लेते हैं हम कोलकाता निकलने से पहले। मेरे साथ रवि भाई हैं और हम दोनों कोलकाता के लिए यहाँ से निकलते हैं। कोलकाता के रास्ते के अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिली थी, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से व्लॉग टाइप बनाना पड़ेगा जो कि इसका पार्ट 3 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी सिटीज के अंदर से हम कोलकाता के लिए जाते हैं, अप्रोक्स 1500 किलोमीटर। काफी सारी हमको रास्ते में डिफिकल्टीज मिलती है, नॉट डिफिकल्टीज गाड़ी के रिलेटेड नहीं, मतलब इतने लंबे जर्नी पे आप सोच रहे होगे गाड़ी की कोई डिफिकल्टी होगी, बट गाड़ी ने कोई भी हमको दिक्कतें नहीं दी। यूजुअली कुछ रोड ऐसे थे गूगल मैप्स की वजह से कि जो अंदर से निकाल दिया था गूगल मैप ने, तो वहां पर थोड़ा गाड़ी को देखकर चलाना पड़ा था, अदरवाइज गाड़ी को चलाने में बहुत मजा आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम रास्ता था गाड़ी को निकालने के लिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह आई थी, बट गाड़ी पर कोई भी स्क्रैच डेंट कुछ नहीं आया और सेफली हम कोलकाता पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में। Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh.